गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 डूइंग वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स। ठीक है, डूइंग, डू मीन्स होता है काम करना। कोई भी कार्य हम करते हैं जिससे हमें किसी काम के करने का पता चलता है उसको हम बोलते हैं डू। ठीक है, तो डूइंग वर्ड्स जो होता है ऐसे शब्द जो हमें किसी काम का करना जिसको होते हैं, हम इसको देखते हैं। डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर डूइंग। मतलब डूइंग वर्ड्स क्या है, जिसमें टेल अस व्हाट पीपल, डूइंग वर्ड हमें क्या बताता है कि कोई व्यक्ति या कोई भी एनिमल, जानवर या कोई भी चीजें क्या कर रहा है ये हमें बताता है, मतलब कार्य का होना पता चलता है। वी कॉल देम वर्ब्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स। डूइंग वर्ड्स क्या क्या है, जैसे यहाँ पर देखो, ये लड़का क्या कर रहा है, सो रहा है, स्लीपिंग। ये क्या कर रहा है, ईटिंग, खाना खा रहा है। और ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है। तो ये जो वर्ड्स है इसको हम बोलेंगे डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, इन सभी को हम इंग्लिश में जो बोलते हैं, जैसे सीट, बैठना, गेटअप, उठना, और रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, ये सारी चीजें जो होती है वो कहलाता है डूइंग वर्ड्स, जिसको हम वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया राइट अंडर ईच पिक्चर व्हाट दे आर डूइंग। इसमें क्या दिया है, कुछ वर्ब बॉक्स है, वर्ब दिया है क्राइंग, रीडिंग, लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्कीपिंग, राइटिंग, कुकिंग, स्विमिंग, ये सब डूइंग वर्ड्स है। और यहाँ पर कुछ एक्शंस दिया हुआ है जिसको इन लोग कर रहे हैं, तो उसको हमको यहाँ से ढूंढकर लिखना है। जैसे यहाँ पर ये गर्ल क्या कर रही है, सीज क्राइंग, क्या कर रही है, रो रही है, तो क्या होगा, रोना किसको बोलेंगे, क्राइंग को, यहाँ पर हम लिखेंगे क्राइंग। ये क्या कर रहा है, लिख रहा है, राइटिंग, तो इसका क्या होगा, राइटिंग, यहाँ से हम देखेंगे राइटिंग। वन मिनट, ये राइटिंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये वाली राइटिंग आएगी। ठीक है, W R I T I N G। ये गर्ल क्या कर रही है, स्कीपिंग कर रही है, रस्सी कूद रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्कीपिंग। ये क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीडिंग। ये क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है, तैरना को हम बोलते हैं स्विमिंग। लड़का क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंसना को क्या बोलेंगे, लाफिंग। लड़की क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है, गाने गा रही है माइक पकड़कर, उसको हम बोलेंगे सिंगिंग। यहाँ पर मम्मा क्या कर रही है, खाना पका रही है, खाना पकाने को बोलते हैं कुकिंग। यहाँ पर ये गर्ल जो है, ये लेडी जो है, वो डांस कर रही है, डांस करना को हम बोलेंगे यहाँ पर डांसिंग। ठीक है, तो ये होता है डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, ऐसा शब्द जो हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर या कोई भी चीज कर क्या रहा है, और उसी को हम वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 44, राइट दीज डूइंग वर्ड्स विथ आईएनजी। यहाँ पर कुछ डूइंग वर्ड्स है जिसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, जैसे डू के साथ यहाँ आईएनजी लगा है डूइंग, वैसे ही हमें गो के साथ करना है गोइंग, टॉक के साथ टॉकिंग, प्लेइंग, हियरिंग, वॉकिंग, ड्राइंग, वर्किंग। इसका मीनिंग बताते चलूं, डूइंग मीन्स होता है करना, गोइंग जाना, टॉकिंग बात करना, प्लेइंग खेलना, हियरिंग सुनना, वॉकिंग चलना, ड्राइंग ड्राइंग करना, वर्किंग काम करना। वैसे यहाँ पर देखो आर आई एस ई, इसमें क्या है, इसमें ई को हमें हटाते जाना है और उसके साथ आई एन जी जोड़ना है। इस सभी वर्ड्स में ई लगा हुआ है लास्ट में, इस सारे ई को हम हटाते जाएंगे और उसके साथ हम जोड़ते जाएंगे आई एन जी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, राइजिंग, राइडिंग, लिविंग, गिविंग, स्माइलिंग, मेकिंग, साइनिंग, कमिंग। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो आई टी सीट, इसमें शीटिंग लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक और टी बढ़ा लेते हैं। तो ये ऐसा वर्ड्स है, शीट, कट, डिग, वीन, गेट, होप, हीट, स्टॉप, इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला वर्ड है, लास्ट वाला जो अक्षर है, लेटर है, उसको हम डबल कर देते हैं जब इसमें हम आई एन जी जोड़ते हैं, जैसे सीटिंग, डिगिंग, गेटिंग, हिटिंग, कटिंग, विनिंग, हॉपिंग, स्टॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीस वर्ड्स यूजिंग द आई एन जी फॉर्म। आई एम जी जोड़कर हमको क्या करना है, इसको सेंटेंस बनाना है। जैसे जेन लिखा है और ऑब्लिक लाफ, तो हम इसको क्या करती है, जेन अकेला है तो इज लगा है इसमें, और इस लाफ में हमें आई एन जी जोड़ना है, जेन इज लाफिंग। देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि
जो सिंगुलर होता है, जो अकेला होता है उसके साथ इज लगता है, और जो दो होता है या ज्यादा होता है उसके साथ आर लगता है। तो जेन इज लाफिंग, वैसे ही द सन राइज, सन क्या है, अकेला है, तो क्या होगा, द सन इज राइजिंग, क्योंकि इसमें ई लगा है और ई को हम हटा देंगे, यहां पर मैंने बताया है ई को हम हटा देते हैं तो राइजिंग हो जाएगा, द सन इज राइजिंग। द बर्ड्स, बर्ड्स देखो, बर्ड्स एक तो है नहीं, बर्ड लिखा होता तो एक होता, बर्ड्स मतलब दो है या अधिक है, तो बर्ड क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, तो हम इसको सिंगिंग करेंगे, तो बर्ड के साथ हम इज नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, आर, द बर्ड्स आर सिंगिंग। वैसे गर्ल्स, द गर्ल्स आर डांसिंग, द स्टार्स आर शाइनिंग, द टीचर इज टीचिंग, ठीक है, टीचर अकेली है और जिसमें जिसमें एस लगा है वो अधिक है, प्लूरल है, तो उसमें आर लगेगा। एक बार फिर से बता दूं, लाफ में आई एनजी लगा है, राइस में आई एनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, सिंगिंग में आई एनजी लगाएंगे, सिंग में, डांसिंग में ई को हटा करके आई एनजी लगाएंगे, शाइन में ई हटाकर आई एनजी लगाएंगे, टीच के साथ आई एनजी लगाएंगे। जेन इज लाफिंग, द सन इज राइजिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग, द गर्ल्स आर डांसिंग, द स्टार्स आर शाइनिंग, द टीचर्स आर, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आप लोगों को ये वाली जो है वो कल समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इतना को अभी आप लोग करिए।